सरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। बता दें, यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार एनर्जी पाइपलाइन है, जिसको लगभग 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से पाइपलाइन के बांग्लादेश हिस्से को लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं भारत सरकार ने अनुदान सहायता के तहत इसका खर्च उठाया है। इस पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन सालाना हाई स्पीड डीजल के परिवहन की क्षमता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे, जहां कई परियोजनाओं का जायजा लेने के बाद सीएम ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और दूध अभिषेक किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। योगी की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च को प्रस्तावित काशी दौरे से पहले तैयारियों को लेकर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की विपक्ष की मांग पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले का संज्ञान लिया है और एक जांच समिति का गठन किया है। बता दें कि स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ धोखाधड़ी, लेन देन और शेयर मूल्य में हेरफेर सहित कई आरोप लगे थे, जिसके बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट आई थी। वहीं अडानी समूह ने पहले ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए सभी आरोपों को खारिज किया था। इस मामले में अडानी समूह ने कहा कि वह सभी कानूनों और नियमों की जरूरत का पालन करता है। लखनऊ में नगर निगम ने झलकारी वार्ड महिला अस्पताल का सीएमएस का कक्ष सील कर दिया है। बता दें कि अस्पताल पर 3 साल से हाउस टैक्स बकाया है। अस्पताल पर लगभग 16 लाख के करीब का हाउस टैक्स बकाया है, जिसको लेकर जोनल अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने अस्पताल के सीएमएस कक्ष को सील कर दिया है। बता दें, नगर निगम ने अस्पताल के सीएमएस कक्ष को सील किया है। अस्पताल पर 3 साल से हाउस टैक्स बकाया है, जिसको लेकर अस्पताल के सीएमएस कक्ष को सील किया गया है। बता दें, झलकारी बाई अस्पताल का सीएमएस कक्ष सील किया गया। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, झलकारी बाई अस्पताल का सीएमएस कक्ष सील किया गया है, क्या कुछ पूरी वजह है? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ नगर निगम में जो हाउस टैक्स का मामला चल रहा है, उस वित्तीय वर्ष में लगातार जो इनकी बकाए की वसूली हो रही है, कहीं ना कहीं कम हो रही है। 385 करोड़ रुपए का लक्ष्य है, अभी भी 125 करोड़ रुपए के लक्ष्य की दूरी पर है नगर निगम। तो कहीं ना कहीं अब ये जो बड़े बकायेदार है, उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सरकारी संस्थानों पर भी नगर निगम का चाबुक चल रहा है, और देखने को मिल रहा है कि लखनऊ के मेन पॉस इलाके में झलकारी बाई जो महिला चिकित्सालय है, उसके सीएमएस का कक्ष जो सील कर दिया गया, और उनका बकाया जो लगभग 16 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है, उसको चलते उस कक्ष को सील किया गया। तो ऐसे कई कार्रवाई पूरे लखनऊ में नगर निगम के सभी जोनवार भी किए जा रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, वित्तीय वर्ष में कहीं ना कहीं 125 करोड़ रुपए अभी और सम्मिलित करना है, जिसके लिए नगर निगम लगातार पूरी तरीके से पूरे लखनऊ में जोनवार एक सीलिंग की भी कार्रवाई कर रहा है, उनकी भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार डुबकी भी पिटवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बकायेदार है, उनके ऊपर ही असर पड़ रहा है। और फिलहाल अब नगर निगम के जो नगर आयुक्त है, वो लगातार अब कैंप की लगाने की बात कर रहे हैं। 31 मार्च तक जो है अब कैंप लगा करके भी जोनवार और हाउस टैक्स का बकाया वहां पर जमा किया जाए। रितेश, अस्पताल के सीएमएस कक्ष को सील किया गया है, तो उसे क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाउस टैक्स जो बकाया था, वो पूरा अस्पताल नहीं सील किया गया, सीएमएस का कक्ष सील किया गया, जहाँ पर सीएमएस बैठते हैं।
तो वहां पर कोई ऐसी असुविधा नहीं होनी है या किसी मरीजों को कोई समस्याएं नहीं होनी है। तो केवल वो एक सांकेतिक है सरकारी संस्थान में, हालांकि अब वो अस्पताल तो सील नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर रोजाना मरीज आते हैं और महिलाएं आती हैं, वहां पर प्रसव जैसी व्यवस्थाएं हैं तो इसको लेकर के। लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं अभी ये सरकारी संस्थानों को भी सोचना चाहिए कि नगर निगम भी हाउस टैक्स के ही भरोसे चलता है। नगर निगम में जो सुविधाएं दी जाती है, जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, वो हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और वाटर टैक्स के बल पे ही नगर निगम का पूरा नींव पड़ा हुआ है। तो उस पर लेकर के जो बड़े बकायदार उनसे बराबर अपील भी की जा रही है और लगातार नगर आयुक्त को कह रहे हैं, लगातार अखबारों में और न्यूज चैनल के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित भी किया जा रहा है, सभी बकायदार अपना जो हाउस टैक्स बकाया है, वाटर टैक्स बकाया है, उसको जमा करें ताकि नगर निगम को सुदृढ़ रूप से चलाया जा सके। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। बता दें लखनऊ के झलकारीबाई अस्पताल पर 3 साल से हाउस टैक्स बकाया है, जिसको लेकर झलकारीबाई अस्पताल का सीएमएस कक्ष सील कर दिया गया है। बुलंदशहर के लिखावटी ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां टीचर ने बच्चे की जमकर पिटाई की। हैरानी की बात तो ये है कि टीचर ने बच्चे की जमीन पर रंग गिराने को लेकर पिटाई कर दी। बच्चे के शरीर पर कई जगह पिटाई के निशान पड़ गए हैं। बता दें मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है, जहां टीचर द्वारा बच्चे की जमकर पिटाई की गई है। और मामला सिर्फ इतना है कि जमीन पर रंग गिराने को लेकर बच्चे की जमकर पिटाई की गई है, वहीं बच्चे के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता इकराम हमसे जुड़ेंगे। इकराम, बुलंदशहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, टीचर ने बच्चे की जमकर पिटाई की है, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, ये बुलंदशहर के ऊंचा गांव का ये मामला है। प्राथमिक विद्यालय के मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जमीन पर रंग गिरने पर टीचर ने बच्चे को बुरी तरह पीटा। बच्चे के शरीर पर कई जगह पिटाई के निशान नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर के लखौटी ब्लॉक के गांव इस्माइलपुर का ये मामला है और इसमें बीएसए से मैंने संपर्क करना चाहा, लेकिन बीएसए सर ने इस पर कोई रिसीव नहीं की, बिना उनसे कोई संपर्क नहीं आया और इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई टीचर से। जी इकराम, इस पूरे मामले पर विद्यालय प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या उनका कुछ बयान सामने आया है? जी मयूरी, मैं आपको बता दूं, मैंने बीएसए को 3 कॉल की है, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की है। ऐसी कई दफे ये घटना हो चुकी है इस जिले के अंदर, लेकिन अभी इस पे टीचर पे कोई कार्रवाई नहीं की है। जी इकराम, वीडियो भी वायरल हुआ है, बच्चे के शरीर पर चोट के निशान है, क्यों अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी मैं आपको बता दूं मयूरी, जब इससे सर से बात नहीं हो पाई है तो इसके बाद में हमने फिर और आला अधिकारियों को भी संपर्क करना चाहा, लेकिन और आला अधिकारियों ने कहा कि बीएसए से बात करके जब बात बताएंगे आपको। जी जी धन्यवाद इकराम तमाम जानकारियों के लिए। संबल के चंदौसी इलाके में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। बता दें प्रदेश के संबल के चंदौसी के इस्लाम नगर रोड स्थित एआर कोल्ड स्टोर के एक हिस्से की छत भरभराकर गिर गई। हादसे के बाद पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक दोनों भाई रोहित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल पर धारा 304 के केस में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें संबल के चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज में बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया। बता दें इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया और मृतकों को 2-2 लाख रुपए, वहीं घायलों को 50,000 देने की बात कही थी, वहीं मुफ्त इलाज के भी निर्देश दिए थे। बता दें इस पूरे मामले पर
कोल्ड स्टोरेज के मालिक दोनों भाई रोहित अग्रवाल और अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस खबर पर हमारे संवाददाता मुबारक अली हमसे जुड़ेंगे। मुबारक, संबल के चंदौसी में कल बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक दोनों भाई रोहित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी बता दो। जनपद संबल के चंदौसी इस्लामनगर रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है और इसमें दो प्लॉटर मालिक के दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। जो वो चैम्बर जो बनाया था वो अवैध रूप से चैम्बर बनाया गया है। प्रशासन ने बताया है जो 14 लोगों की जो मौत हो चुकी है इसमें और 11 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। और दूसरी तरफ जो और लोगों का परमा दर्ज किया गया है जो उनकी भी गिरफ्तारी जारी है। और पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। दबिश देने के बाद में जो पीएम मोदी ने भी जो दुख जताया है और 2 लाख की उन्होंने भी मुआवजे की घोषणा की है और 50,000 रुपए घायलों के लिए भी घोषणा की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुरादाबाद घायलों को स्थिति देखने के लिए आए थे। आने के बाद में घायलों को इलाज के लिए भी कहा गया है। योगी जी ने भी जाने के बाद 5 लाख की भी घोषणा कर दी गई है। मुबारक, जहां ये हादसा हुआ वहां अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या रेस्क्यू कार्य समाप्त हो चुका? जहां ये हादसा हुआ है वहां पे रेस्क्यू जो कार्य समाप्त हो चुका है। और जो आज जो मीडिया की और बैठक बुलाई गई है डीएम साहब ने और करीबन 2 बजे जो बैठक बताई जा रही है। मुबारक, तो ये जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ मंथन किया जाएगा? बैठक में जो मंथन किया जाएगा पूरी जानकारी जो बताई जाएगी। जो और भी कोलेस्टर है उनकी भी जांच होगी। ऐसा कोई आगे को आसान नहीं होगा। जी धन्यवाद मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। बता दें संबल के चंदौसी आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया जिनमें से कई घायलों का अभी भी इलाज जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है जहां एक नवविवाहिता अपने ससुरालियों के उत्पीड़न से बचने के लिए अपने घर की छत से पड़ोस में बने एक सरकारी स्कूल की छत पर कूद गई। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता बेहद बदहवास हालत में थी और बेहद डरी सहमी हुई थी। साथ ही उसके शरीर पर मारपीट और दरिंदगी के कई निशान साफ नजर आ रहे थे। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला को जिला अस्पताल में एडमिट कराया जिसके बाद महिला के ससुराल जनों पर शोषण और दरिंदगी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए महिला के पति और सास की गिरफ्तारी की कार्रवाई की। उसका क्या नाम है जिसने तुम्हें रख रखा है? उसका नाम बताओ, क्या नाम है? अरे उसका नाम नहीं मारेंगे, कोई नहीं मारेगा। नाम तो बताओ उसका क्या है? मोबाइल के आगे नाम बताओ। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ में जबरदस्ती शादी करी गई दोबारा से और हमने जिस लड़के के साथ में शादी करी थी और फिर इसने हमें मारने की धमकी दी थी हमें मारा पीटा भी था, हमें भगा दिया था यहाँ से दिल्ली, हम दिल्ली चले गए। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में नहीं हमसे बात करने दी, नहीं हमसे मुलाकात करने दी इसने और इसे मारा पीटा बहुत बुरी तरीके से। और क्या कहें मैं, लड़की एक छत पे भी दिखाई दे रही है। लड़की छत पे से कूदी, जब हमारे पास में फोन करा पुलिस वालों ने, जब हमें पता चला वाली क्षेत्र में एक महिला के द्वारा उसके ससुराली जनों के द्वारा उसके साथ में मारपीट आदि की घटना का मामला संज्ञान में आया था। इसमें कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आए हैं। इस प्रकरण में पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तत्कालिक रूप से और उसमें 2 नामजद अभियुक्त उसका पति और सास को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है एवं इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।